आज की वीडियो में हम बेसिकली सेफोरोक्सिम एक्जेटिल के बारे में बात करेंगे। देखेंगे सेफोरोक्सिम का प्रयोग, मतलब यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ डिटेल में बात की जाएगी। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सेफोरोक्सिम एक्जेटिल है, यह सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अपना असर डालती है। टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप फार्म में मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट फार्म के बारे में ही जानकारी देंगे। ओके, सो बात कर लेते हैं कुछ ब्रांड नेम, मतलब जो सेफोरोक्सिम है किन किन नामों से मिल सकती है। नोवा से 500, यहाँ देखिए लिखा गया सेफो के लिफ 500, सेफोल 500, मतलब कई नामों से मिल सकती है। 250 mg में भी आता है, सो आप जान सकते हैं किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, बट उसके अंदर सेफोरोक्सिम एक्जेटिव होना चाहिए। बात कर लेते हैं यूजेस, मतलब आप सेफोरोक्सिम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बेसिकली साइनसाइटिस में यूज कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं। सबके ऊपर फुल वीडियो आएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो है हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और आपके डिमांड को जो है पूरा करेंगे। निमोनिया जो है, निमोनिया में भी यूज कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस में यूज कर सकते हैं। जेनाइटल प्रॉब्लम कुछ है तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, मतलब जेनाइटल प्रॉब्लम पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आप जो है दे सकते हैं। आई होप सेफोरोक्सिम एक्जेटिल का यूज आपको क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट भी दिख सकता है, जैसे कि वोमिटिंग होगी, नोजिया हो सकती है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, स्वेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉडी से पसीना बाहर आ सकता है। अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है सेफोरोक्सिम लेने के बाद तो तुरंत ही जो है दवा का प्रयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। बात कर लेते हैं कुछ प्रिकॉशन भी बरतना होता है, जैसे कि एलर्जी वाले पेशेंट में नहीं देंगे, अपने चल रही दवाइयों के बारे में डॉक्टर को बताएंगे, किडनी डिसीज, इंटेस्टाइनल डिसीज मतलब जैसे कोलाइटिस वगैरह हुआ, लीवर डिसीज में आप नहीं देंगे। इसको यूज करने के बाद हैवी मशीन पर जो है काम नहीं करना और गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है। यहाँ देखिए लिखा गया डू नॉट टेक दिस मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर इफ यू आर प्रेग्नेंट वुमन आर ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, मतलब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बिना गायनकोलॉजिस्ट की सलाह के ना दें तो अच्छा रहेगा। तो अगले स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। ये जो डोज है ऊपर नीचे हो सकता है, एडल्ट और टीनेजर में 250 से 500 mg, बेटी देना होता है तो 10 दिन तक लगभग दे सकते हैं। गोनोरिया को अगर ट्रीट करने के लिए इसको हम दे रहे हैं तो सिंगल डोज ही दिया जाता है, 1 ग्राम का एक ही बार जो है दिया जाता है गोनोरिया को ठीक करने के लिए। वैसे तो गोनोरिया के ऊपर हमारी फुल वीडियो आएगी, क्या क्या उसमें दवाइयाँ चलती हैं सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। चिल्ड्रन में जो कि जो है मतलब हो कैन सॉलो द टैबलेट 250 mg 2 times, मतलब जो कि टैबलेट निगल वगैरह सकते हैं तो उसको जो है 250 mg बेटी दे सकते हैं 10 दिन तक। चिल्ड्रन हो कैन सॉलो द टैबलेट, मतलब जो कि टैबलेट को निगल नहीं सकते हैं उसमें रिकमेंड नहीं किया गया है। चिल्ड्रन 3 months to 12 years, इसमें जो बॉडी वेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। द डोज इज यूजली 20 to 30 mg per kg, मतलब 20 से 30 mg per kg के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है बेटी और 10 दिन के लिए। सो डोज वोज आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।